कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए एक साथ मिलकर इस प्रार्थना में हम भक्तिपूर्वक भाग लें और प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें भूले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें भूले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, तुझे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें बुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें बुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा, हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया, कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे, जिससे जो उसमें विश्वास करे, उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा, तूने कहा, यह प्याला मेरे रक्त का, मेरे रक्त का नूतन विधान है, नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं, हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार, कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की, तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है, कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर, हम पर दया कर, और हमें हर बंधन से, और हमें हर बंधन से मुक्त कर, मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों
पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें भूले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें भूले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, तुझे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें बुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें बुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। आप जहां कहीं भी समय बैठे हों, अपने को शांत करें, मौन करें, अपने मन और हृदय को एकाग्र करें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव करें, जीवित प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारी परिस्थितियों में आना चाहते हैं, हर प्रकार की बुराई के बंधन को तोड़कर हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं, रोगों से हमें आजाद करना चाहते हैं, चंगा करना चाहते हैं। हम अपने आप को तैयार करें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस करें,
अपने कामकाज को जरा दूर रखें, पूरी तरह से प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ जाएं। पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में कार्य करें। आपकी परिस्थिति कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो, कितनी पीड़ादायी क्यों ना हो, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपके परिवार की परिस्थिति, व्यक्तिगत परिस्थिति कैसे भी दर्दनाक क्यों ना हो, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु जीवित हैं, यीशु मरने के बाद मृतकों में से महिमा के साथ जी उठे हैं। यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है, भी महसूस करना, विश्वास करना। अपने हृदय के द्वार को समय प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। अपने हृदय के मुंह को खोलिए, अपनी आत्मा के मुंह को खोलिए, अपने मन के मुंह को खोलिए। प्रभु के समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। लेट द लॉर्ड एंटर इन टू योर लाइफ राइट नाउ। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। इस प्रार्थना के दौरान हमारे बीच में प्रभु बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है और इस कार्यक्रम में बैठाया है। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। ईश्वर का आत्मा, शक्ति का आत्मा, शांति का आत्मा, अपने हृदय और मन को एकाग्र कर पवित्र आत्मा के समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आगे खुलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में प्रभु हमें विशेष आशीर्वाद दें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हम सभी पापी हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं। इन सारी बातों के बावजूद जब हम प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हम शुद्ध किए जाते हैं। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो करुणामय ईश्वर है, हमें पश्चाताप के लिए मौका देने वाला ईश्वर है। इसलिए आप जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में अपने आप को समर्पित करना, प्रभु के सामने आना, प्रभु आपको आशीष देंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को स्पर्श करने के लिए, चंगाई देने के लिए, बंधनों से आज़ादी देने के लिए। आज भी विश्वास कीजिए कि प्रभु ये करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मृत्यु हम सब के लिए एक दर्दनाक घटना है, एक डरावनी घटना है। विशेष करके जब हमारे प्रियजनों की मृत्यु होती है, माँ की मृत्यु होती है, बाप की मृत्यु होती है, पति की मृत्यु होती है, पत्नी की मृत्यु होती है, बच्चों की मृत्यु होती है, भाई की मृत्यु होती है, रिश्तेदारों की मृत्यु होती है, अपने करीब के मित्र की मृत्यु होती है, तो हमें कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है। ये एक सच्चाई है, सबके जीवन की सच्चाई है। हम स्तोत्र 116 उसके वाक्य 15 में पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। कितना सुंदर वचन है, अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु लाजरस के कब्र के सामने खड़े थे। प्रभु यीशु लाजरस और उसके दोनों बहनों को बहुत प्यार करते थे। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु रो पड़े। प्रभु के अंदर भी दुख हुआ। लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, वो यह है कि किसी प्रियजन की मृत्यु का दुख और शोक हम अपने हृदय में बनाए रखते हैं, रखे रहते हैं, महीनों वर्षों रखे रहते हैं, और ये हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। शारीरिक रूप से हानिकारक, मानसिक रूप से हानिकारक,
और आर्थिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी हानिकारक बन जाता है। हम तसलोनिकियों के पहले पत्र की अध्याय 4 उसके वाक्य 13 और 14 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, भाइयों और बहनों, हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। देखिए पौलुस कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे, जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। पौलुस कहते हैं कि हम लोग उन लोगों की तरह जिनको मृत्यु के बाद के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई विशेष आशा नहीं है, उनकी तरह शोक ना मनाएं। मैंने देखा बहुत सारे मसीही और विश्वासी भी अपने हृदय में कई महीनों या वर्षों तक शोक को बनाए रखते हैं और वे शोक की आत्मा की शिकार बनते हैं। ऐसे लोगों के लिए कभी कभी मैं बंधनों से आजादी के लिए प्रार्थना करता हूं, वे स्वतंत्र हो जाते हैं, वे आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि कई दिनों तक उन्होंने शोक को अपने अंदर बने रहने दिया जिसके कारण वे शोक की आत्मा के शिकार बन गए और ये उनके शारीरिक पतन और आर्थिक पतन और मानसिक पतन का भी कारण बन गया। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 16 से 20 तक ध्यान से सुनिएगा। वचन में लिखा हुआ है, पुत्र पुत्री मृतक पर आंसू बहाओ और अपने और दुखी होकर विलाप करो, उसका शरीर योग्य रीति से दफनाओ और उसकी कब्र का ध्यान रखो। वचन कहता है मृतक पर आंसू बहाओ, ये अच्छा है। कोई मर जाता है, प्रियजन मर जाता है, तो आंसू बहाना, अपने दिल के दुख को प्रकट करना अच्छी बात है, और दुखी होकर विलाप करो। आगे लिखा हुआ है फूट फूट कर रो और विलाप करो, अपने दर्द को बाहर आने दो। लोगों की निंदा से बचने के लिए एकाध दिन मृतक की योग्यता के अनुसार शोक मनाओ, इसके बाद अपना दुख शांत हो जाने दो। देखिए वचन कहता है मृतक की योग्यता के अनुसार शोक मनाओ और इसके बाद अपना दुख शांत हो जाने दो, क्योंकि शोक मृत्यु का कारण बन सकता है, क्योंकि शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटाता है। शोक विपत्ति में बना रहता है और दरिद्रता का जीवन हृदय के लिए अभिशाप है। अगर हम अपने हृदय में शोक को बनाए रखेंगे तो हम परेशान होते जाएंगे। विलाप करना, रोना अच्छा है, आवश्यक है, लेकिन उसके बाद अपने दुख को शांत करना है। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम मृतकों को ईश्वर के हाथ में नहीं देते हैं, हम उन्हें पकड़े रहते हैं, हम उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। मृतकों को हमें प्रभु के हाथों में सौंप देना चाहिए। अय्यूब का उदाहरण लीजिए, वचन में लिखा हुआ अय्यूब के ग्रंथ में, योब के ग्रंथ में, कि योब के सारे बच्चे दबकर मर गए। संपत्ति गई अलग बात, लेकिन सारे बच्चे दबकर मर गए। वाक्य 21 में आप पढ़ेंगे, अय्यूब अध्याय 1 वाक्य 21 में अय्यूब कहते हैं ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। ईश्वर ने दिया था और ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो निसंतान हैं, एक संतान के लिए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं। एक एक संतान, एक एक रिश्ता आपको जो दिया गया है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। जब ये हमारे जीवन से हट जाते हैं, मिट जाते हैं, तो हमें ईश्वर के हाथों में सौंप देना है अय्यूब की तरह, और कहना है ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। हमें प्रज्ञा ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है अध्याय 3 उसकी वाक्य 1 से 5 तक, वचन में हम पढ़ते हैं धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं,
वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे। कौन? मूर्ख लोग। और ये समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है, किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। जब धर्मी मरते हैं, लोग सोचते हैं कि इसका विनाश हो गया है, लेकिन वचन कहता है इनका विनाश नहीं हुआ है। हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है, बल्कि जीवन का विकास है। मृत्यु के द्वारा हम इस संसार को छोड़कर परलोक में प्रभु के सामने उपस्थित हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। हमारी हिंदी भाषा में मृत्यु के बाद हम कहते हैं लोगों का स्वर्गवास हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं चल बसे हैं। बसे कहाँ हैं? स्वर्ग में, प्रभु के सानिध्य में। चल बसे, स्वर्गवास हुआ। एक बार मैं किताब पढ़ रहा था, एक बहुत बड़े प्रचारक का किताब, प्रचारक की किताब। वहां पे उन्होंने लिखा है उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया। उनके पिता का नाम मान लीजिए लॉरेंस है। आप जानते हैं धनी घरों के सामने उनकी दीवार होती है, उनकी जो उनका गेट होता है, और गेट पर नाम लिखा रहता है, पता लिखा रहता है, मिस्टर लॉरेंस, उसके बाद पूरा पता लिखा रहता था। लेकिन उनके पिता की मृत्यु के बाद इस प्रचारक ने क्या किया, इस प्रचारक ने एक दूसरा वहां पर बोर्ड लगा के रखा। वहां पर क्या लिखा हुआ था कि मिस्टर लॉरेंस यहां नहीं है, उन्होंने अपना निवास बदल दिया है। कितनी सुंदर सोच है। ये पक्का विश्वासी या यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले की सोच है। मिस्टर लॉरेंस यहां नहीं है, उन्होंने अपना निवास बदल दिया है। चल बसे, स्वर्गवास हो गए। कई वर्ष पहले जब मेरे पिताजी की मौत हुई, मैं उनके दफन के लिए वहां पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े कार्यक्रम को चला रहा था। आश्रम वापस आने के बाद उनके आदर में मिस्सा पूजा हुआ था, मिस्सा बलिदान हुआ था, और मेरे कई मित्र पुरोहित और अधिकारी लोग भी उपस्थित थे, और कुछ लोग सामने उपस्थित थे। मैंने मिस्सा बलिदान के प्रारंभ में यही कहा कि मुझे खुशी है कि स्वर्ग में मेरे लिए एक और मध्यस्थ हैं, वह और कोई नहीं है बल्कि मेरे पिताजी हैं। जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाना शुरू किया, इस पर मनन चिंतन करना शुरू किया, इस पर विश्वास करना शुरू किया, मृत्यु के बारे में मेरा नजरिया बदल गया, मेरा दृष्टिकोण बदल गया। इसीलिए किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो मुझे धक्का नहीं लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो विश्वासी है, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जिया है, वो प्रभु की उपस्थिति में है, वो मेरे लिए हानिकारक नहीं होगा, किसी तरह से मेरे लिए दुख का कारण नहीं है। अगर आपके परिजन प्रियजन जो मर गए हैं, उन्होंने पापमय जीवन जिया है, तो उनके पापों के लिए प्रभु से पश्चाताप करें, माफी मांगे। अगर उन्होंने कोई अपराध किया, उस अपराध के लिए माफी मांगे। अगर आपका उनके साथ अच्छा रिश्ता नहीं रहा है, तो उनके साथ मेल मिलाप करें और उनकी आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंप देना, खुशी से कहना, प्रभु तूने दिया था, मैं तेरे हाथों में उन्हें समर्पित करता हूं। जानते हैं, जब आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन में प्रभु कृपा पर कृपा बरसाएंगे। हमारे एक मित्र हैं जो बराबर आश्रम आते हैं, अच्छे क्रिस्त भक्त हैं। उनका एक ही बेटा था, करीब 32 साल की उम्र में उस बेटे की मृत्यु हुई, जबकि वो बराबर यहाँ पे आता था, उसकी किडनियाँ खराब थी, बराबर यहाँ पे आता था, प्रार्थना करता था, अचानक एक दुर्घटना हुई और वो मर गया। मैंने उस भाई और उसकी पत्नी और इस मरे मृत लड़के के भाई बहनों को समझाने का प्रयास किया, आपका भाई या आपका बेटा
कई दिन तक प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आया, प्रभु की उपस्थिति में आया, वो प्रभु की उपस्थिति में है। वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए कृपा का माध्यम बनेगा। आप इस बात को मानिए मेरे भाई और बहनों। उसके बेटे के जाने के बाद उसके पिताजी बोलते हैं उनका उनका धंधा, उनका बिजनेस दुगना हो गया, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि मेरा बेटा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारे सारे परिजनों के पापों की क्षमा के लिए प्रभु से मांगते हुए उनको प्रभु के सामने उपस्थित करना और उनको हमारे और हमारे परिवार के लिए कृपा का माध्यम बनाना हमारा काम है। अगर अपने हृदय में शोक बनाए रखेंगे और उनको प्रभु के हाथ में सौंप देने को तैयार नहीं होंगे तो वो व्यक्ति आपके लिए कृपा का माध्यम नहीं बनेगा। इस चालीसा काल में हम अपने मृत प्रियजनों को याद करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, अगर उन्होंने पाप में जीवन जिया है, अपराध का जीवन जिया है, उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, उनको प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, आनंद के साथ सौंप देंगे। हो सकता है आपके पिता हों, माँ हों, भाई हों, बहन हों, बेटा हो, बेटी हों, आपके प्रिय मित्र हों, विश्वास के साथ प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, एक उपहार स्वरूप यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु उसे मेरे और सारे संसार के लिए कृपा का माध्यम बनाइए, तेरे सान्निध्य में ग्रहण कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने परिवार के सारे प्रियजनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं जो हमसे विदा ले चुके हैं। हम उनकी आत्माओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि उनके सारे पापों को क्षमा करना, सारे अपराधों को क्षमा करना और उनको तेरे अनंत प्रकाश में आने के लिए कृपा देना। वे हमारे लिए माध्यम बने, कृपा के अनुग्रह के माध्यम बने। आमीन। अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। सामने आए हैं हम सब करने प्रभु तेरी आराधना, आराधना 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 सुख दुख हाथों में लेकर करते तेरा प्रभु इंतजार।
अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। हमको तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गाते रहेंगे सदा सर्वदा। आराधना 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 प्रभु अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन है प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन है प्रभु तेरा। शाली हम देव दूतों के संग करते रहे तेरी जय जयकार। करते रहे तेरी जय जयकार। आराधना परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हम प्रभु में ही समय और प्रभु का सानिध्य प्रभु की उपस्थिति हमारे चारों ओर है। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर कीजिए, पूरी तरह से एकाग्र कीजिए अपने आप को। आइए हम बड़े विश्वास के साथ इस आराधना में भाग लें। अपनी आंखें मंद रखना, हृदय खोलना। प्रभु हमें प्यार करते हैं। 2000 वर्ष पहले अब ईश्वर के प्रेम को हमारे पास लाने वाले उस यीशु की हम आराधना करें। ईश्वर के स्वभाव स्वरूप को हमारे सामने खोलने वाले उस यीशु की हम आराधना करें। ईश्वर के हृदय को हमारे लिए खोलने वाले यीशु की हम आराधना करें। ये पवित्र समय है, आशीष का समय है। अपने मन और हृदय को प्रभु पे लगाइए। स्तोत्रकार कहता है कि जिस तरह दास की आंखें उसके स्वामी के हाथों पर टिकी रहती है, दासी की आंखें उसके स्वामिनी के हाथों पर टिकी रहती, उसी तरह हम भी अपनी आंखें प्रभु पर टिकाएं, प्रभु पे लगाएं। आपके जीवन में प्रभु प्रवेश करना चाहते हैं,
आपकी परिस्थितियों में प्रभु यीशु आना चाहते हैं। इस धरती पर आने वाले यीशु, मनुष्य बनने वाले यीशु, मनुष्यों के बीच निवास करने वाले यीशु हमारी परिस्थितियों में प्रवेश करना चाहते हैं। हम यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलें, जीवन के द्वार को खोलें, परिस्थितियों के द्वार को खोलें। यीशु आएंगे तो मुक्ति आएगी। जहां कहीं भी यीशु जाते थे वहां में मुक्ति पहुंचती थी। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कई परिवारों में गए, वहां पर मुक्ति पहुंची, आशीष आई। यीशु को आने दीजिए। यीशु से कहिए कि यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए। मैं जानता हूं कि मेरी समस्याओं का तू ही एकमात्र समाधान है, मेरे सवालों का तू ही एकमात्र जवाब है, मेरा एकमात्र तू मुक्तिदाता है, मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। आई बिलीव जीसस, मैं विश्वास करता हूं तू सब कुछ को बदलने में समर्थ है, सक्षम है। तू सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने स्वयं कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू कार्य कर रहा है मेरे भाई बहनों के जीवन में, उनके परिवार के जीवन में कार्य कर रहा है। हर प्रकार की बाधाओं को तू दूर कर रहा है। कई लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं, दुष्टात्माएं कार्य कर रही हैं। विभिन्न प्रकार की बाधाओं के कारण वे अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, अटके हुए हैं। प्रभु यीशु उन सब पर दया करना, उन सब पर तू दया करना। यीशु 38 सालों से जो अर्धांग रोगी बना था, पड़ा हुआ था, उस रोगी को तूने ढूंढ लिया और तूने उसको चंगा किया। गलीलिया के झील के उस पार गिरासा में रहने वाले उस अब्दूतग्रस्त को, जिसके अंदर अद्भुतों की सेना थी, तूने ढूंढ लिया और तूने उसे आजाद किया। जेरिको के रास्ते के किनारे पेड़ के ऊपर बैठे हुए उस जकेउस को तूने देखा और तूने उसको स्वतंत्र किया। यीशु ढूंढ निकाल, मेरे भाई बहनों को ढूंढ निकाल यीशु समय। वे जिस परिस्थिति में, जो डरावनी परिस्थिति, खतरनाक परिस्थिति, दर्दनाक परिस्थिति, दुख देने वाली परिस्थिति, ढूंढना यीशु, बचाना यीशु, बचाना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। मेरे भाई और बहनों, मेरे पीछे दो रातें जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, मेरे परिवार का प्रभु है, मेरे परिवार का प्रभु, मेरा मुक्तिदाता है, मेरा मुक्तिदाता, मेरे परिवार का मुक्तिदाता है, मेरे परिवार का मुक्तिदाता, संसार का मुक्तिदाता है, संसार का मुक्तिदाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, मेरा प्रेम नहीं टलेगा। मेरे लिए जो शांति विधान है, जो शांति विधान वो डावाडोल नहीं होगा, वो डावाडोल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे करुणामय प्रभु, हे करुणामय, हे सामर्थ्यवान प्रभु, हे सच्चे प्रभु, हे जीवित प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, तेरी एक एक प्रतिज्ञा पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखें बंद रखना और इस समय अपने परिवार की उन सारे मृत भाई बहनों को याद करना जो आपके परिवार से विदा ले चुके हैं, इस संसार से विदा ले चुके हैं। हो सकता है कि आपके माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, बच्चे हो,
एक एक व्यक्ति को इस समय याद करना और एक एक व्यक्ति के इस समय प्रार्थना करना। आंखें मन कीजिए, हृदय खोलिए, एक एक व्यक्ति को याद कीजिए, बड़ी सहृदयकता के साथ याद कीजिए, हृदय की गहराई से याद कीजिए। एक एक व्यक्ति को याद करके उनको प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाना, उनके लिए प्रभु से माफी मांगना और प्रभु से कहना, प्रभु उनको अनंत शांति देना, तेरे प्रकाश में आने देना। एक एक व्यक्ति को समय प्रभु के हाथ में देते जाइए, समय लीजिए, समय लीजिए, आंखें मंद करके एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते जाइए, उनके पापों के लिए क्षमा मांगना और प्रार्थना करना कि प्रभु तो उनको अपने अनंत प्रकाश में बुला लेना, तेरी उपस्थिति में बुला लेना। एक एक व्यक्ति को याद करते जाना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाना एक एक व्यक्ति को, उनके लिए प्रार्थना करके उनके वो समर्पित करते जाना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। एक एक व्यक्ति को याद करते जाइए, उनके पापों और अपराधों के लिए क्षमा याचना करते जाइए, प्रभु के हाथ में सौंपते जाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक एक व्यक्ति को याद कीजिए, उनको समर्पित कीजिए और उनके लिए प्रभु से माफी मांगिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उनको इस चालीसा काल में तेरे अनंत प्रकाश में, तेरी उपस्थिति में आने की कृपा देना। प्रार्थना जारी रखिए, जारी रखिए। प्रार्थना जारी रखिए, जारी रखिए। प्रार्थना जारी रखिए। अपने सभी प्रिय जनों को प्रभु के हाथ में समय समर्पित करते हुए, अपने दोनों हाथों को खुला रखकर इस समय उन सब के लिए क्षमा मांगते हुए, माफी मांगते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दूर आइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है, जो मुझ में विश्वास करता है, वो मरने पर भी जीवित रहेगा, वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, डरो मत, डरो मत, आदि और अंत मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ, प्रथम और अंतिम, अंतिम मैं हूँ, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ, मैं मर गया था, मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। हे पुनर्जीवित यीशु, हे पुनर्जीवित यीशु, मैं अपने परिवार के, मैं अपने परिवार के, सारे परिजनों को, सारे परिजनों, सारे प्रिय लोगों को, सारे प्रिय लोगों, तेरे हाथों में, तेरे हाथों समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। उन पर दया कीजिए, उन पर दया कीजिए, उनके पापों को क्षमा कीजिए, उनके पापों को क्षमा कीजिए, उन्हें अनंत शांति दीजिए, अनंत शांति। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांति, 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 हालेलुया, 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 शांति, 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 शांति। धन्यवाद यीशु। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक जोर से गाइए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, हालेलुया 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 अभिषेक 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 तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर प्रभु के अभिषेक अनुभव कीजिए। द लॉर्ड इज अनॉइंटिंग अस विद हिज प्रेशियस ब्लड, प्रभु अपने पवित्र रक्त से हमें अभिषेक दे रहे हैं। आइए हम इस समय रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सभी भाई बहनों को जो अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित हैं और इस कार्यक्रम में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने रोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। सबसे पहले प्रभु से कहना कि प्रभु मैं इस रोग के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसके कारण मैं तेरे पास आया हूं, तेरे पास आई हूं। मैं तुझसे भीख मांग रही हूं, मैं तेरी आशीष मांगना चाहती हूं। अगर मैं सही सलामत रहता शायद मैं आपको याद नहीं करता। इसलिए सबसे पहले अपने रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। क्या आपके परिवार में कोई रोगी है, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु को धन्यवाद देना अपने रोग के लिए समय, और इस समय प्रार्थना करना प्रभु तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। पवित्र आत्मा को भेजकर मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए। मेरे संपूर्ण शरीर को स्पर्श कीजिए यीशु। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तूने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए, आज भी मेरे हमारे बीच में चमत्कार प्रकट करिए यीशु। प्रभु तूने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। उस पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजकर हमें शुद्ध और पवित्र कर, हमें चंगा करिए यीशु। प्रभु यीशु इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे कि एक भाई बहन को जो रोगी हैं तेरे हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ, उन पर दया करना, उनके हर प्रकार के बंधन को खोलना यीशु। तूने स्वयं कहा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु तू स्वतंत्र करने के लिए आया, तेरा नाम मुक्तिदाता है, तेरा नाम है यीशु, यीशु का मतलब ईश्वर बचाता है, तो हमें बचाने के लिए आई यीशु। एक एक भाई बहन पर दया करना इस समय, एक एक भाई बहन को स्वतंत्र करना, आजाद करना, रोगी को चंगा करना। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, चंगाई 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 चंगाई, हर प्रकार के मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक रोग से, हर प्रकार के बंधन से आजादी, चंगाई 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 चंगाई, यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर। इसी वक्त इन प्रार्थना समय में भाग ले रहे एक एक भाई बहनों को आशीर्वाद, चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष पाएंगे। उसमें बुरे हमारे आपों
राग सारे यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा उसमें घुले हमारे पापों के दाग सारे।